तो फ्रेंड्स एयरपोर्ट से निकलते ही हम लोग पहुंच गए हैं अपने होटल में, और होटल का नाम है अपार्ट होटल्स लास पैलमेरास, और एक काफ़ी रीजनेबल प्राइस में हम लोग को ये होटल मिल गया था। हमने बुकिंग लंदन से ही कर लिया था, और अब टाइम हो रहा है रिसेप्शन में जाके चेक इन करने का। तो ये होटल में हमें स्विमिंग पूल भी अवेलेबल है, और इनका पूरा का पूरा एरिया बहुत अच्छा था इस होटल का, और पूरा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था यहाँ पे। तो फ्रेंड्स एयरपोर्ट से जब हम लोग निकले थे तभी हमने गूगल मैप में अपने होटल का नाम डाल दिया था, और जो भी बस हमें गूगल मैप से जो भी गाइडेंस मिल रहा था हम लोग ही वही पकड़ के हम लोग इस होटल पे आ गए थे। तो आप चाहे तो कैब सर्विस भी ले सकते हैं, लेकिन कैब सर्विस थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो हमने प्रिफर किया था कि हम लोकल ट्रांसपोर्ट से ही जाएंगे, और हम लोग आराम से सेफली पहुँच गए थे। अब इस वीडियो में मैं आपको पूरे रूम का टूर कराने वाली हूँ। इस रूम में आपको हर चीज़ अवेलेबल है, जितने भी फैसिलिटीज़ आपको चाहिए 3-4 दिन रहने के लिए आराम से आप यहाँ पे रह सकते हो। तो इस होटल में देखिए आपको प्रॉपर शावर जेल मिल रहा है, सब कुछ अवेलेबल है, वॉशरूम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो इसमें एक चीज़ है कि लॉन्ड्री फैसिलिटी मतलब रूम में अवेलेबल नहीं है आपको वॉशिंग मशीन, लेकिन अगर आप लोग लॉन्ड्री का कुछ फैसिलिटीज़ लेना चाहते हैं तो हमें वो रिसेप्शन में बात करना पड़ेगा। और कपड़े आप खुद अगर धो के सुखाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है यहाँ पे। और डिश वॉशर यहाँ पे नहीं है, सो हैंड वॉश करना पड़ेगा। बेडरूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और बेडरूम से सीधा ही आपको बाहर में जो सिटिंग एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वार्डरोब भी काफ़ी अच्छा मिला हुआ था यहाँ पे, और एसी फैसिलिटी है, हीटर फैसिलिटी है, और यहाँ पे दो बेड्स हैं, एक है सोफ़ा बेड और एक मास्टर बेडरूम। टीवी अवेलेबल है, और बाहर बाहर का जो भी एनवायरनमेंट था वो बहुत ही सही था। आराम से आप वहाँ पे बैठ के अपने फैमिली के साथ टाइम आप लोग स्पेंड कर सकते हैं। तो हमने अपना बैगेज सब कुछ रख लिया था रूम में, थोड़ा देर हमने रिलैक्स किया, और फिर हमारे होटल से ही थोड़ी ही दूर में लाइक 10 मिनट्स का वॉक है, वहाँ पे एक बीच था, वहाँ पे सी साइड था। तो हमने सोचा कि चलो आज का टाइम हमने थोड़ा सा रिलैक्सिंग ही रखा था, तो हम लोग ये जो सी साइड है हम लोग यहाँ पे आ गए थे। तो बेसिकली इस प्लेस को बोला जाता है कैसल द फेलर्स, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम है, और बहुत अच्छा ये जगह था, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट था यहाँ पे। और उसके अलावा यहाँ पे वेदर जो था, फर्स्ट दिन वेदर बहुत ही अच्छा था, अराउंड 25 डिग्रीज़ के आसपास था, तो हमें ना ज़्यादा गर्मी लग रही थी और ना ज़्यादा ठंड लग रहा था। लेकिन जब हम लोग सी साइड पे आए और जैसे जैसे इवनिंग का टाइम हुआ तब तो बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी। तो हम देख सकते हैं पानी बहुत सुंदर लग रहा था दिखने में, तो हमने यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया बीच पे। फ्रेंड्स थोड़ी ही देर में हमारा टाइम हो गया था डिनर करने का, और फिर हम लोग पास के ही एक रेस्टोरेंट में आ गए थे जो सी साइड के पास ही था, और हमने ये सब चीज़ें थोड़े ऑर्डर किए, ऑब्वियसली चिकन था। और फिर हम लोग होटल वापस चले गए, और ये वाला वीडियो है दूसरे दिन का day 2, जब हम लोग अपना मेन बार्सिलोना का सिटी सेंटर एक्सप्लोर करने जा रहे थे। तो ये है यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो भी हमने अपना जर्नी किया वो सब कुछ हमने लोकल ट्रांसपोर्ट से किया है, और ये एक कार्ड है जो हमें लेना होता है। अब कोई भी लोकल ट्रांसपोर्ट आप कर रहे हो तो इस टाइप का एक कार्ड लेना होता है, और इसमें आप जितने भी आप जर्नी आप कर रहे हो वो सब कुछ यहाँ पे पीछे रिकॉर्ड हो जाता है, और इनका बैलेंस होता है कि हम इन अ डे हम लोग कितना जर्नी कर सकते हैं। बेसिकली टॉप अप करना होता है, वो टॉप अप करने के बाद हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इजी था, बस थोड़ा सा हमें वो लैंग्वेज समझने में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई स्पैनिश ही ज़्यादा बात करता है, इंग्लिश बोलने वाले काफ़ी लोग कम थे। तो बस हम लोग अब अपना जर्नी शुरू कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा क्लिप शेयर किया है कि हम अपने जो कार्ड मैंने अभी आपको दिखाया था उसको आप लोग किस तरीके से ले सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, हमने टिकट ले लिया था और अब हम आ गए हैं मेट्रो स्टेशन में, और ये है यहाँ का मेट्रो ट्रेन, और सीधा हम लोग जाएंगे बार्सिलोना सिटी सेंटर में। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुँच गए हैं द फेमस चर्च सग्राडा फेमिलिया। बार्सिलोना में अगर आप लोग हैं तो ये एक जगह है जो आप लोग मिस नहीं कर सकते हो। ये एक चर्च है जो बहुत ही अलग स्ट्रक्चर से बना हुआ है, और बहुत ही सालों से ये अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। ऑप्शन है कि अंदर आप लोग टिकट लेके जा सकते हो, अंदर का व्यूइंग कर सकते हो। अंदर में भी ये चर्च दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन हमने वो ऑप्शन नहीं लिया क्योंकि हमारे साथ दोनों बच्चे हैं और बच्चों को ज़्यादा ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट रहता नहीं है। तो बाहर से ही हमने जितना फ़ोटोशूट करना था हमने कर लिया, और बाहर घूमने के लिए भी आसपास में इसके एरिया में बहुत कुछ अवेलेबल था। जैसे छोटे छोटे मार्केट्स हैं, यहाँ पे सोवेनियर्स मिल रहे हैं, और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो हमारा यहाँ पर आराम से 1 घंटा टाइम पास हो गया था। तो बहुत सारे शॉप्स हैं यहाँ पे, आप लोग इस जगह को डेफिनेटली मिस नहीं कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमने अपने लिए थोड़ा सा लंच पैक करवाया एक छोटे से रेस्टोरेंट से, और ये हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा वैसे उसका टेस्ट। और जैसे मैंने कहा, उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स है, तो आप कहीं से भी आप लोग अपने लिए खा सकते हो या फिर पैक करा सकते हो। फिर हम लोग वहाँ से सीधा पहुँचे गोल पार्क की तरफ। तो आई होप मैंने उसका प्रनाउंस ठीक से किया हो। गोल पार्क थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंसिएशन में। इसका भी आपको टिकट्स पहले ही लेना होता है, ले ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमने भी वही किया था। टिकट्स ऐप होता है, उस ऐप से आपको यहाँ पर टिकट्स लेना होता है। पार्क के अंदर जितने भी आर्किटेक्चर थे सब कुछ काफ़ी पुराने हैं, और दिखने में ये सब चीज़ बहुत ही ब्यूटीफुल था। हम लोग पहुंच गए एक हाईएस्ट पॉइंट पे, जहां से आपको बहुत कुछ अच्छे से दिख रहा है। यहाँ पे आगे सी साइड दिख रहा है, माउंटेंस दिख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा व्यू था। हम लोग यहीं पे थोड़ा देर साइड में बैठ के हमने लंच भी कर लिया था। और इस दिन, दैट इज़ ऑन डे 2, का टेम्परेचर 32 डिग्रीज था। हमारी हालत पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी क्योंकि इतना ज़्यादा धूप था। हम लोग यू नो लाइक ऑलमोस्ट ड्रेन आउट हो जा रहे थे। तो लंदन में इट्स जस्ट लाइक 11-12 डिग्रीज, और सडनली यू नो स्पेन में आने के बाद इतना ज़्यादा टेम्परेचर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उस पार्क से नीचे उतर के जो मेन इनका जो गोल पार्क का जो मेन एरिया है, हम लोग अब वहाँ पे जा रहे हैं। ये पूरा पार्क का एरिया बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया हुआ है, बहुत अच्छे से बनाया गया है। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 2 आवर्स से ज़्यादा ही हमने इस पार्क में टाइम स्पेंड किया था। अगर गर्मी या धूप ना होता तो हम लोग डेफिनेटली और भी बहुत देर यहाँ पे रह सकते थे। फ़ोटोज़ लेने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, और इनके जितने भी वर्क हर जगह किए हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं।
के अंदर ही एक अलग से एक प्लेस है जहाँ पे एक फेमस ड्रैगन का यहाँ पे स्टैचू बना हुआ है और वो बार्सिलोना में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। दिखने में वैसे आपको लिज़र्ड के जैसा ही लगेगा लेकिन वो लिज़र्ड नहीं है, बेसिकली इट्स अ ड्रैगन। तो जिस तरीके से वो बना हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है बार्सिलोना में। और जब आप लोग सुविनर सेक्शन में जाएंगे तो भी आपको पूरे बार्सिलोना में ये वाला जो ड्रैगन जो शेप है ये आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत लोग यहाँ पे विश भी करते हैं, तो आप भी वो सब चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक परफेक्ट प्लेस है फोटोग्राफी के लिए, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा क्राउड है। और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर। फ्रेंड्स, पार्क से निकल के हम लोग सीधा आ गए हैं ये फेमस मार्केट स्ट्रीट पे। और कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा पिक पॉकेटिंग इस एरिया में होता है बिकॉज ऑफ द क्राउड। लकीली हमारे साथ ये सब नहीं हुआ क्योंकि हम थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस थे सब कुछ सुनने के बाद। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे शॉप्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, हम लोग मार्केट एक्सप्लोर करते करते फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए थे बार्सिलोना के मेन बीच पे। ये बहुत ही फेमस बीच है, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा क्राउड है। और इसका जो वाटर था वो बहुत ही अच्छा क्लीन वाटर था यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, बीच से निकल के हम लोग सीधा पहुंच गए सुपरमार्केट। और सरप्राइज़, यहाँ पे भी मुझे लिडल मिल गया। और हमने इस सुपरमार्केट से थोड़े से शॉपिंग की क्योंकि मुझे बच्चों के लिए थोड़े से मिल्क और थोड़ा ब्रेड लेना था क्योंकि हम लोग जिस होटल में रहते हैं वहाँ पे ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं है। तो ब्रेकफास्ट के लिए हमने थोड़े से सामान लिए और फिर हम लोग नेक्स्ट डे चले गए मोंटेसेरात। मोंटेसेरात जाने के लिए हम लोग को ट्रेन जर्नी 2 आवर्स का था और हम लोग को यहाँ पे टिकट्स भी लेना था। तो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए दोनों अलग अलग यहाँ पे टिकट्स हमें लेना पड़ा। मोंटेसेरात के जर्नी के लिए टिकट्स आप लोग वापस आने का भी टिकट साथ में ही ले ली ट्रेन स्टेशन में। तो फ्रेंड्स, मोंटेसेरात जाने के लिए हम लोग को 2 ट्रेन्स चेंज करने पड़े थे।
माउंटेन की तरफ लेके जाने के लिए ट्रेन अलग से होता है और इसका भी टिकट्स हमने पहले ही ले लिया था। ऑप्शंस यहाँ पे दो है, या तो आप ट्रेन में जाएं या तो फिर हम लोग केबल कार से भी जा सकते हैं। तो केबल कार हमने प्रेफर नहीं किया क्योंकि हमें बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस लग रहा था, और तो इसलिए हमने ट्रेन में ट्रैवल करना ज़्यादा प्रेफर किया। और देख सकते हैं बाहर कितना अच्छा व्यू है। और इस माउंटेन की खासियत यही है कि जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर नेचुरली फॉर्म हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब हम लोग पहुंच गए हैं माउंटेन्स के पास और ये बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग प्लेस है। यूजुअली माउंटेन्स के आसपास हम इतना ज़्यादा हैपनिंग इन्वायरमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे सुपरमार्केट्स है, कैफ़ेज़ है, रेस्टोरेंट्स है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थे और ये एरिया बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था क्योंकि एक तो हाईएस्ट पीक पॉइंट से आप लोग देख रहे हो और दिखने में सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मोंटेसराट में बेसिलिका भी है, बेसिलिका एक चर्च है। आप अंदर जाके टिकट्स लेके आप लोग चर्च भी घूम सकते हो। एज़ यूजल हमने ये भी अवॉइड कर दिया था। और बाहर में ही घूमने के लिए बहुत सारे फैसिलिटीज़ थे, यहाँ पे देखने के लिए बहुत सारे जगह थे, तो हमने वो ज़्यादा प्रिफर किया। हम लोग जा रहे हैं एक दूसरे व्यू पॉइंट पे जो मोंटेसराट में ही है, और इसे हमें जाना होता है फ्यूनिक्यूलर से, जो एक ट्रेन है छोटा सा, जो स्लैंटिंग ट्रेन है, जो हिल टॉप ट्रेन बोला जाता है बेसिकली। इसके लिए भी टिकट्स होता है जो आप लोग इनके ऑफिस से ही उसी टाइम पे आप लोग ले सकते हैं, और फिर हमें क्यू में खड़ा होना होता है अपने टाइम पे। तो एवरी 10 मिनट्स में ये ट्रेन आते हैं, और ऊपर जाके आप लोग देख के फिर वापस भी आ सकते हो।
अभी हम लोग आ गए हैं ऊपर के व्यू पॉइंट पे। तो यहाँ से भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था पूरा व्यू, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे इसलिए आते हैं ताकि वो लोग और ऊपर ट्रैकिंग करके जा सके। तो जिसको ट्रैकिंग में इंटरेस्ट है उनके लिए तो ये मस्ट विजिट प्लेस है। फैमिलीज़ के साथ ट्रैकिंग पॉसिबल है नहीं, बट ओवरऑल द होल व्यू वॉज जस्ट अमेजिंग। बहुत देर हम लोग इस प्लेस में रुके थे, फ़ोटोज़ लिए, जैसे मैंने कहा फ़ोटोज़ किए थे, प्लेस बहुत ही सही था। उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, सेम उसी ट्रेन से हम लोग नीचे जा रहे हैं, और नीचे जाने के टाइम भी हमें व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फ्रेंड्स, थोड़े ही देर में हमारा मॉन्सेट्राट का जर्नी ख़त्म हो गया। हम लोग एक सुपरमार्केट में भी चले गए थे बीच में, थोड़े से सुविनर्स खरीद लिए और थोड़े स्वीट्स एंड सेवरी आइटम्स भी अवेलेबल थे, वो भी हमने लिया। और जैसे हमारा आने के टाइम पे जो भी ट्रिप था ट्रेन के साथ, हम लोग सेम वही ट्रिप हमारा हुआ, ट्रेन दो ट्रेन हमने चेंज किए और फिर हम लोग होटल पहुंच गए। तो ये जो मॉन्सेट्राट का जो ट्रेन का जर्नी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही अच्छे से आपको व्यू दिखता है। तो डेफिनेटली मॉन्सेट्राट एक मस्ट विजिट प्लेस है। मॉन्सेट्राट का जर्नी हमारा ख़त्म हो गया और उसी दिन हमारा लास्ट डे था बार्सिलोना में, और दूसरे दिन हमारा फ्लाइट जर्नी था अर्ली मॉर्निंग। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था इवनिंग में टाइम स्पेंड करने के लिए, तो मैंने अपना पैकिंग जो भी करना था मैंने कर लिया और फिर हम लोग बच्चों को लेके सीधा पहुँच के सी साइड जो हमारे होटल के पास ही था। तो हमने वहाँ पर बहुत देर टाइम पास कर लिया और फिर हम लोग उसी सी साइड के पास जितने भी रेस्टोरेंट्स थे हम लोग वो एक्सप्लोर करने लगे डिनर के लिए। सी साइड से निकल के हम लोग पहुँच गए एक रेस्टोरेंट में, और उस रेस्टोरेंट में हम लोग को मेनू थोड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ था तो हमें समझ में आया, क्योंकि जितने भी रेस्टोरेंट्स हम लोग वहाँ देख रहे थे वो ज़्यादातर स्पेनिश में लिखा हुआ था और हमारे समझ के बाहर था। फिर हमने थोड़े बच्चों के लिए आइटम्स ऑर्डर किए और स्पेनिश क्यूजीन जो फेमस पलेला राइस है वो भी हमने ऑर्डर किया था। तो फ्रेंड्स, वीडियो अब मैं यही एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। टेक केयर एंड गुड बाय।